गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आपत्ति काल का अध्यात्म के पिछले वीडियो में पूज्य गुरुदेव ने हमको समझाया था कि आपत्ति काल में समय दान का बहुत महत्व है। अपना समय दान कीजिए, अच्छे कार्यों में अपने समय को लगाइए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम कीजिए, सामान्य जीवन जिए। आइए जानते हैं अब इससे आगे। इसीलिए आप यहाँ से जाने के बाद में स्वयं से, अपने आप से और हर जागृत आत्मा से ये कहना है कि सन 1978 से लेकर के सन 2000 तक के ये 22 वर्ष ऐसे हैं जिनमें दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इस संबंध में मैं बेकार की भविष्यवाणियाँ तो नहीं करता। बेकार की भविष्यवाणियाँ करना मुझे नापसंद है, पर मैं दो भविष्यवाणियाँ कह देता हूँ कि लोगों में बहुत तबाही आएगी, संसार में बहुत तबाही आएगी। तब आपको राहत के लिए लोगों में काम करना पड़ेगा। तबाही क्यों आएगी? क्योंकि अवांछनीय तत्व जहाँ कहीं भी हैं वे सब घटेंगे। घटने के लिए विनाश होगा और विकास के लिए नए निर्माण भी होंगे। नए निर्माण के लिए आपको समय देना पड़ेगा और श्रम करना पड़ेगा। विनाश में तो आपको सहायता नहीं करनी पड़ेगी, पर राहत कामों में आपको सहायता करनी पड़ेगी ताकि आपका आत्मबल विकसित हो सके और आपका देवत्व विकसित हो सके। ये काम होगा, हाँ बेटे होगा, अभी भी हो रहा है। मारकाट से भी कर रहे हैं, बीमारियाँ भी कर रही हैं, बाढ़ें भी कर रही हैं और जाने कौन कौन कर रहा है। जहाँ कहीं भी देखिए हर जगह सूखे के साथ गीला जल रहा है। सब जगह तबाही ही तबाही मची है। बेटे ये आपत्ति काल है, राहत कार्यों में लगना पड़ेगा। भगवान कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, हमें ये नहीं कहने वाला है कि आप जहाँ पीड़ा हो वहाँ सहायता कर सकते हैं। इसमें आपकी आत्म परीक्षा है और वर्चस्व का अनुदान है। क्या आप मुसीबत में जहाँ की तहाँ हृदयहीन बने बैठे रहेंगे, मदद नहीं करेंगे? जागृत आत्माओं के सामने आपत्ति काल ने पुकारा है कि आप राहत कार्यों के लिए मदद कीजिए। राहत कार्य केवल बाढ़ और भूकंप के नहीं हो सकते, पीड़ा और पतन इस जमाने में अभी और फैलेंगे। इनसे राहत दिलाने के लिए ही मैं आपसे कहता हूँ। देखते नहीं गुंडागर्दी कैसे बढ़ती चली जाती है, दूसरे अपराध कैसे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह के राहत कार्यों में आपकी हर जगह जरूरत है। आपको निर्माण के एक नहीं लाखों कार्य करने हैं। ये इम्तहान की घड़ियाँ हैं। आपको निर्माण कार्यों के लिए ईंट और चूने की भूमिका निभानी है। प्रत्येक व्यक्ति से समय इसी के लिए मांगा है। राम ने कभी समय मांगा था, कृष्ण ने भी कभी समय मांगा था। हम भी आपसे समय मांगते हैं। समय की किसी के पास कमी नहीं है, केवल दिलेरी और साहस की कमी है, उदारता की कमी है। अगर आप अपने भीतर दिलेरी और उदारता पैदा कर सके तो काम बन जाए। आप यहाँ से जाने के बाद एक बात हर एक से कहना, अपने से 100 बार कहना और जो कोई जागृत आत्मा दिखाई पड़े उससे कहना कि महाकाल ने एक ही निमंत्रण भेजा है, समय की मांग का निमंत्रण। आप परिव्राजक हैं, जन संपर्क में आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप कृपा करके एक ही बात कहना है कि हर आदमी से जो कोई भी आपको भजन करता हुआ, पूजा करता हुआ दिखाई दे, उस यही कहना है कि अगर आप भगवान का अनुग्रह पाने के इच्छुक हैं, भगवान की सहायता करने के इच्छुक हैं, तो गुरु जी ने पल्ला पसार करके, महाकाल ने पल्ला पसार करके, युग के देवता ने पल्ला पसार करके हर आदमी से समय मांगा है। आपके पास समय हो तो हमें दें। नवयुग के निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए, पीड़ा और पतन से लोहा लेने के लिए, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए और दुष्ट प्रवृत्तियों से संघर्ष करने के लिए दोनों हाथ से इस आपत्ति काल में भगवान ने पुकार की है। अगर आप कर सकते हो तो करना। यहाँ से जाने के पश्चात
समय देना केवल उनके लिए संभव हो सकता है जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई समय नहीं दे सकता। मित्रों, मैंने अपनी बातें कह दी। समाप्त। ओम शांति।